सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वेव्स ऑफ होम्योपैथी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अपनी इस बुक का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, एक्सपीरियंस दैट व्हाई आई रीड दिस बुक और इस बुक में क्या अच्छा है। ठीक है, तो उसका एक ओवरव्यू मैं आपको दिखाऊंगी इस बुक का। एंड चलो शुरू करते हूँ, बताती हूँ। सबसे पहले दिस बुक इज बाय द WMH बर्ट एंड इस बुक का नाम है फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका। आई डोंट नो वाई बट मुझे फिजियोलॉजिकल एक्शन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उससे मुझे पता चलता है कि अगर कोई मेडिसिन है तो उसका एक्शन कहाँ पर ज़्यादा है। और दी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप इस तरीके से अपने एग्जाम में लिखते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगा के, थोड़ा सा प्रॉपर एक साइंटिफिक वे में, लाइक यू आर बिकम अ डॉक्टर, अगर आप नॉर्मल लेमैन वर्डिंग यूज करोगे तो ऑब्वियसली लेक्चरर को या प्रोफेसर को पसंद नहीं आता है। सो उसके लिए मैं इस बुक को यूज़ करती हूँ कि मुझे थोड़ी सी लॉजिकल लगती है। एंड मैं भी आपको इस बुक का थोड़ा सा रिव्यू बताती हूँ, दिखाऊंगी। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर आप BHMS का स्कोप जानना चाहते हैं, सो मैंने एक YouTube चैनल पे अपना एक वीडियो बनाया है। मेरे YouTube चैनल का नाम है लर्न विद फन बायोलॉजी। तो वहाँ पर एक वीडियो है बाय डॉक्टर नकुल गौतम, सो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप कहेंगे मिलेगा कहाँ से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। उसके अलावा गाइस, मेरे 3 यूट्यूब चैनल और हैं, सो आप वो यूट्यूब चैनल्स भी जरूर देखिएगा। सर्जरी, पैथोलॉजी और ऑब्सकाइनी, इन तीनों के मैंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, सो यू कैन वॉच दैट वीडियोज ऑल्सो। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस बुक। सो नाउ यू कैन सी दिस बुक, किस बुक में क्या क्या दिया हुआ है। लाइक दिस इज ऑल अबाउट द प्रीफेस एंड ऑल। उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखो दिया हुआ है क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में इन्होंने अलग अलग तरीके से यहाँ पर बताया है। पहले तो इन्होंने यहाँ पर एनिमल ग्रुप्स को डिवाइड किया है फॉर एक्यूट एंड सब एक्यूट डिसीजेस। उसके बाद दिस इज द ऑर्गेनिक ग्रुप, आफ्टर दैट दिस इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टिश्यूज, सेरेब्रल ग्रुप, स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी ग्रुप एंड ऑल। ओके, तो अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो आपको सब पता ही होगा। उसके अलावा नेक्स्ट आई एम टेलिंग यू, सबसे पहली मेडिसिन जो यहाँ पर इसमें दी हुई है दैट इज़ दी एकोनिटम नापलस, एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी। सो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस बुक में ये लगती है, इसका नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट अबाउट द हैबिटेट एंड हाउ वी मेक दिस मेडिसिन, लाइक टिंचर ऑफ द फ्रेश प्लांट, इसकी क्लास दी हुई है Class 1, रूट Class 3 एंड एंटीडोट्स सब दिया हुआ है। उसके अलावा देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके 9 सेंटर ऑफ एक्शन हैं, लाइक ऑन हार्ट, सर्कुलेशन, टेम्परेचर, सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम, म्यूकस मैम्ब्रेन, स्टमक, लंग्स, टेंडन्स एंड फाइब्रस टिश्यूज एंड सिरस मैम्ब्रेन। सो मुझे ये बुक इस वजह से ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हार्ट एंड आर्टेरियल कैपिलरी ब्लड वेसल्स, एंड उसके बाद सब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अलग अलग ऑथर्स ने जो लिखा है आप देख सकते हो। ये बुक मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज थोड़ी सी लॉजिकल लगती है और हमें इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। क्योंकि इतनी सारी मटेरिया मेडिका है, हम कितनी पढ़ते रहेंगे, तो मैंने एक बहुत बेसिक बुक से स्टार्ट किया है। देखिए यहाँ पर जो आप एक अगर एक पैराग्राफ भी पढ़ोगे ना, तो यू फील लाइक कि आप बहुत एक साइंटिफिक चीज़ पढ़ रहे हो। देखिए यहाँ पर लिया हुआ है, एकोनाइट इज अ प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन एंड डिस्ट्रॉय द फंक्शन ऑफ द ऑल नाइट्रोजनस टिश्यू। सो इस तरीके से मैंने अभी तक किसी बुक में नहीं पढ़ा, एंड आई जस्ट लाइक टू रीड लाइक अ फिजियोलॉजिकल एक्शन, फर्स्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट टू द नर्व्स एंड लास्ट ऑफ द मसल, बट इट हैज एन स्पेशल affinity for the sensory apparatus, paralyzing first the sensory perceptive center through the central nervous system is a powerful represent of the motor nerves and muscles. So मुझे इस तरीके से इसमें दिया हुआ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। So you can also read this book. यहाँ पर देखिए temperature वगैरह के बारे में भी दिया हुआ है। Guys, if you want, I can make videos on this video also. मतलब like इस book से मैं आपके लिए videos बना सकती हूँ, but उसके लिए मुझे आप comment section में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए थेरापेटिक इंडिविजुअलिटी भी दी हुई है, नोज के लिए, माउथ, थ्रॉट, ये अलग अलग मेडिसिन के हिसाब से देखो दिया हुआ है। लाइक अगर हम देखें कॉलोफाइलम के लिए, तो यहाँ पर उसका नाम, उसका हैबिटेट कैसे बनता है, उसकी क्लास क्या है, उसका कहाँ इसका एक्शन है, मेनली ऑन द यूट्रस एंड मस्कुलर सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर भी दिया हुआ, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सो ये था एक बेसिक रिव्यू अबाउट दिस बुक। इफ़ यू वॉन्ट मोर वीडियोज लाइक दिस, देन प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। डेफिनेटली आई फील वेरी मच हैप्पी कि अगर आप मेरे से थोड़ा बहुत कुछ भी एक्सपीरियंस चाहते हैं अबाउट माय स्टडी ऑफ होम्योपैथी। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, बाय बाय।